मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मिलकर उसका सामना किया जाए तो हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है खंडवा में, जहां कुछ समाज सेवियों और सोशल मीडिया ग्रुप के मेंबर्स ने आपदा झेल रहे लोगों की ना केवल मदद की बल्कि उन्हें रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजें भी उपलब्ध कराई। कहते हैं कि पानी जब बहता है तो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ खंडवा के आशापुर गांव में, जहां बीते दिनों आई बाढ़ सैकड़ों परिवारों का सुख चैन या यूं कहें कि सपने तक अपने साथ बहा ले गई। हंसते खेलते परिवार आसमान से हुई बारिश और अग्नि नदी में आई बाढ़ की चपेट में ऐसे आए कि उनकी पूरी की पूरी गृहस्थी ही तबाह हो गई। न रहने के लिए छत बची और न ही खाने के लिए निवाला तक बचा। बचा है तो सिर्फ वो कीचड़ जो बाढ़ का पानी उतरने के बाद इनके घरों में जमा हुआ है। हमारे घर में मतलब पूरा सामान रखा है, फ्रिज कूलर टीवी, मतलब पूरा टोटल सामान है। मम्मी की रकम पैसा वगैरह कुछ भी नहीं रहा, पूरा बह गया। अभी ऐसा है जैसे खड़े वैसे रह रहे हैं, कुछ भी नहीं। कोई सहायता विधायक या सांसद कोई मदद करने आया आप? अभी कोई भी नहीं आया, मतलब लेटर भी नहीं। इतना नुकसान हो गया हमारा, बच्चे घर घर के हो रहे, तो लोग आना चाहिए ना। क्यों मंत्री जी नहीं है? नहीं आया अभी। सर नुकसान तो इतना बुरा हुआ कि मकान में कोई चीज नहीं बच पाई, पूरा मकान ढक गया है। खाने पीने के बर्तन, कपड़े लगते, बच्चों के पहनने के गैस, फ्रिज, कूलर, पंखे, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, सब टोटल सामान दे गया। मतलब तन के पास एक जोड़ी बनियान और पैंट बचा। बारिश की बूंदे तो कुछ वक्त के लिए थम चुकी हैं, लेकिन इनकी आंखों के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आशा की किरण अब सरकार पर जा टिकी है कि शायद कोई मुआवजा मिल जाए। जाहिर है सरकारी काम है तो उसमें वक्त लगेगा, लिहाजा चिंता है तो रोजमर्रा की चीजों की। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी का ख्याल रखता है। विपदा उसने भेजी तो सहारे का भी इंतजाम कर दिया। जी हां, इन बाढ़ प्रभावितों की जानकारी लगते ही सोशल मीडिया पर बने एक आकस्मिक सहायता ग्रुप के लोगों और एक एनजीओ ने मदद का हाथ बढ़ाया और पीड़ित परिवारों तक खाने पीने का सामान पहुँचाने के साथ ही कपड़े और बिस्तर भी मुहैया कराए। हम लोगों ने एक प्रयास किया छोटे से माध्यम से कि हम लोग फल वितरण कर सकें, दूध पहुंचा सकें, और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ना तो तन ढकने के लिए कपड़े हैं ना कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं। हमने मेडिसिन उपलब्ध करवाई है और हम इस सभी से आग्रह कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में इस पूरे गाँव के साथ। हमारा एक आकस्मिक सहायता ग्रुप है, उसके तहत हमने कल रात में यहाँ की जब स्थिति को समझा तो कल 10 बजे सोशल मीडिया पे आह्वान किया और उसके बाद हमारा गिरिराज फाउंडेशन भी एक ग्रुप है, दोनों सम्मिलित हुए और दोनों ने मिलकर रातम रात हम लोगों ने व्यवस्था करी, जिसमें हम करीब यहाँ पे आज 100 लीटर दूध से ऊपर दूध, कम से कम 200-300 लोगों के लिए कपड़े और बिस्किट, फल, फ्रूट और बहुत सारे आइटम, कुछ नगद राशि, मतलब जो सबको सेवा देते बनी आकस्मिक ग्रुप ने रातम रात व्यवस्था करी। मदद के लिए हाथ बढ़े हैं और जिन्होंने ये हाथ बढ़ाए वो वाकई तारीफ के काबिल हैं। अब उम्मीद सरकार से है कि वो जल्द से जल्द इन बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद करे। जाहिर है बाढ़ पीड़ितों के सामने एक लंबा संघर्ष है जो फिर से उन्हें उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए करना पड़ेगा। पत्रिका टीवी के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट।